जिले भर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह SAF मैदान रीवा में प्रातः 9 बजे से आरंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन किया गया। समारोह का समापन पुरस्कार वितरण से हुआ। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 8 बजे अथवा उसके पूर्व ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान का गायन हुआ। शिक्षण संस्थाओं में मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रातः काल प्रभात फेरी निकाली गई। ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिक्षण संस्थाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी तथा वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रमुख सार्वजनिक भवनों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों एवं लोकतंत्र सेनानियों को जिला स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनके घर जाकर कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद अध्यक्ष ध्वजारोहण किया तथा समारोह में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। ऐसी नगर पंचायत जिसका मुख्यालय विकास खंड मुख्यालय में नहीं है, उसमें नगर परिषद अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। समारोह में राष्ट्रगान का सामूहिक गायन भी किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। आइए देखते हैं SAF मैदान में मुख्य कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां और सुनते हैं देश के मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश और फिर देखेंगे अलग अलग जगहों में ध्वजारोहण की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां।
जी सर। माता की भारत माता की।